बाद जाप पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने रोहतास जिले के नासरीगंज, डेहरी व विक्रमगंज का दौरा किया। इस दौरान वे नासरीगंज में कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद वह डेहरी के शहीद जवान रवि रंजन सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वे चकनवा में मृतक मुखिया के परिजनों से मिले, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने का वादा दिलाया। इसके बाद वे विक्रमगंज के घुसिया कला गांव के शहीद जवान खुर्शीद खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने सुशांत सिंह केस को सीबीआई के हाथों में जाने को लेकर कहा कि मैं घटना के पहले दिन से ही कह रहा था कि इसकी जांच सीबीआई के हाथों में जानी चाहिए। सुशांत सिंह राजनीतिक प्रोपेगंडा नहीं है, बल्कि ये देश के न्याय का सवाल है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार कोरोना को लेकर लगातार लॉकडाउन कर रहे हैं, ये लॉकडाउन खासकर गरीबों के लिए ही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बाढ़ में फंसे 70 लाख लोगों को बचाइए, फिर चुनाव के बारे में सोचिएगा। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन मैं सीबीआई इंक्वायरी की बात लगातार आंदोलन 1.5 महीने के बाद लास्ट पर राजनीति और सुशांत सिंह पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो देश के न्याय का सवाल है, युवाओं के न्याय का सवाल है। मैं हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग चाहता हूँ, समय 6 महीने और 3 महीने के बीच चाहता हूँ और इसकी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं आज तक, आरुषि से लेकर के नरूना से लेकर के परमेश्वर मुखिया से लेकर के कोई भी केस आज तक सीबीआई सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाई। और 1.5 महीने तक जिस तरीके से सुशांत के चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, साक्ष को, और लगातार बड़ी, मैं बार बार कहता हूँ कि उस मर्डर हुआ या मर्डर है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और इसमें कोई बहस नहीं है। 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार जी 2019 में दुनिया का सबसे ज़्यादा क्राइम आप किया हुआ और डेली 40 मर्डर होता है और आप अभी तक कोई केस रामेश्वर कुशवाहा से लेकर जेपी यादव से लेकर के स्टूडेंट को मार दिया गया एन कॉलेज का, उस आज तक आप उस कोई केस सोल्व नहीं हो सका और आप लंबी लंबी बात 1.5 साल की बात करते हैं। हमने साफ कहा कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हुआ, साथ साथ जिस दिन हमारी सरकार आएगी 3 साल के अंदर रामूजी फिल्म इंडस्ट्री है ना आंध्रा में, उससे कई अरब गुना ज्यादा खूबसूरत सुशांत के नाम से सुशांत सिंह फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, ताकि माफिया कॉस्टिंग कवर्स, ये जो अंडरवर्ल्ड और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर नेताओं की इंटरफेरेंस होती है, वो बिहार में नहीं होगा और बिहार की प्रतिभा के साथ साथ देश के यूथ इस फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे और यहाँ से निर्माण। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? अभी कोई नहीं, अभी पहले कोरोना वायरस अपराध बाढ़ से पहले लड़ ले। वर्चुअल एंड वर्चुअल में हम नहीं है, हम रियल में है। हालात अच्छे नहीं है, लगातार 6 महीना से मैं सड़कों पर हूँ, 21 डॉक्टर मर चुके हैं, लॉकडाउन कर कर के तबाह कर दिया है गरीब लोगों को, 40 कहीं बिजली नहीं है, कहीं पर इंटरनेट नहीं है, तो वर्चुअल और दुनिया जानेगी कैसे? तो जब तक एक कॉमन तरीके से चुनाव की प्रक्रिया ना हो तो मैं तो इसका विरोध हूँ। पहले हम बाढ़ से 77 लाख लोगों को बचा लें और आम आदमी के मन से कोरोना वायरस का डर निकले, फिर इस पर बात करें।